पिछला क्लास में हम लोग देखे थे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है, तो उसके विषय में बताए थे कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीट एट ए पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसके विषय में और बताए थे कि इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा चीज क्या बताए थे, एजम्पशंस के रूप में इनकमिंग करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव व्हाइल आउटगोइंग करंट इज टेकन टू बी नेगेटिव। इसके बाद ये भी बताए थे कि इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन ए सर्किट हैविंग कैपेसिटर एज ए सर्किट एलिमेंट। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर बिहेव्स लाइक कंडक्टर व्हाइल कैपेसिटर इन ए फुली चार्ज स्टेट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। इतना चीज मैंने बताया था, सर्किट डायग्राम बनाया था, बताया था, सारा डिटेल्स दिया था, मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट का इंट्रोडक्शन दिया था। इसके बाद फिर हम आपका इसमें करने जा रहे हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। काफी यूजफुल है। जैसा कि मैंने बताया, जहां ओम्स लॉ का एप्लीकेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहां बड़ी आसानी से किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के किसी भी पोर्शन में क्या करंट जा रहा है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। तो पहले सुनना है, सीखना है। बार बार मैं बोल रहा हूं, काफी यूजफुल है। ठीक, इसको हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ या इसी को लूप रूल कहते हैं, या इसी को मेश रूल कहा जाता है। मेश माने घेरा, लूप रूल या मेश रूल कहा जाता है। इसका कंसेप्ट क्या है, यह हमेशा किसी क्लोज सर्किट में काम करता है, क्लोज सर्किट के लिए डिफाइंड होगा। इसका स्टेटमेंट है, इन एनी क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। कहता है क्या, इन एनी क्लोज लूप, लूप लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, या सर्किट भी, क्योंकि नाम है, आप लूप रख दिए हैं, सर्किट भी लिख सकते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। द अलजेब्रिक सम ऑफ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये किस आधार पर भाई बताए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर है कि जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा, वो सोर्स ऑफ ईएमएफ जितना एनर्जी देगा, सर्किट के जो सेगमेंट होंगे, पोर्शन होंगे, जो डिवाइस होगा, एप्लायंसेस होगा इलेक्ट्रिकल, वो कंज्यूम करेगा एनर्जी, एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो जितना देगा उतना कंजम्पशन होगा, यानी दोनों का सम सिरो, यही चीज कहना चाहता है।
तो ध्यान दीजिए, इसका कहना है वी आई इक्वल टू जीरो। वी क्या है? ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, अलग अलग पोर्शन में, बहुत सारा पोर्शन है तो सबका सम क्या होगा? जीरो। सबका सम जीरो, ठीक। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कहता है, इसमें कहता क्या, अब इसको हम लोग क्या करें कि प्रैक्टिकल स्टेटमेंट एक्ट दे। प्रैक्टिकल स्टेटमेंट किसको करो? जो सर्किट में जब हम चलें वो हमारे साथ हो, कैसे लूप रूल लगाएंगे, उसके लिए आपको मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसको तो आपने नोट कर लिया है। अब उसके लिए स्टेटमेंट हम दे रहा हूं जो यूजफुल स्टेटमेंट है, जिसके साथ आप सर्किट में घूम सकते हैं, सर्किट में जा सकते हैं। देखिए ध्यान से इसका क्या कहता है स्टेटमेंट, इसी के आधार पर हम लोग सर्किट यूज करेंगे। कह रहा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ इनक्लोज्ड इन इन दैट क्लोज लूप, दैट क्लोज लूप। क्या कह रहा है? इसलिए एक एग्जाम्पल लेंगे, आपके सामने रखेंगे। इसमें कह रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज लूप। अब हम लोग एक सर्किट डायग्राम लेकर के, एक सर्किट एग्जाम्पल लेकर के, एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से इस स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। तो आते हैं, हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। ईएमएफ के लिए यही ले लिए, और देखिए पॉइंट के हिसाब से ए, ये बी, ये सी, ये डी, और इस पूरे सेगमेंट को ई मान लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है लूप रूल लगाना है। ध्यान दीजिए, हमें बोला गारंटी है सिखाने का, तो पहले हमको क्या करना होगा
एक लूप, एक मेश सेलेक्ट करना जिसमें लगाना है। आइए ध्यान दीजिए, अप्लाई लूप रूल, इन ए क्लोज लूप ए बी सी डी ए, यहां जिस पॉइंट से चलना है उसी पॉइंट पर पहुंचना है, ओपन हो जाएगा नहीं। ए बी सी डी ए, ए से चल के ए तक आना। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको मैं मेंशन करूंगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सेकेंड वन। इसमें कह रहा है सर, पहला तो हम लोग देखेंगे इसमें, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा चीज ये एजम्पशंस है, किताब वाला का दूसरा एजम्पशंस हो सकता है, लेकिन या तो किताब वाला को फॉलो कीजिए तो मुझको फॉलो कीजिए, एक ही एजम्पशंस फॉलो कीजिए। क्या भाई, इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट करेंट देन ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टेंस इज टेकन टू बी निगेटिव। हो सकता है किसी बुक में इसको पॉजिटिव कहा हो, तो बुक अपना फैशन लेकर चलता, ये कन्वेंशन है और कुछ नहीं। और तो आप एक ही कन्वेंशन को लेके चले, नहीं तो एक ही सर्किट में कभी इसको कभी उसको, नहीं कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहा सर, इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट देन ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस इज टेकन टू बी निगेटिव एंड अगेंस्ट इट इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, अगेंस्ट इट इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। सिंपल सा चीज है, इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम समझा देते हैं। आप पॉइंट ए लो, एक पॉइंट बी लो, रेजिस्टेंस आ लो, करंट इधर से जा रहा है, इसका पोटेंशियल भी है, इसका पोटेंशियल भी पॉइंट का। अब चलते हैं हम ए से, तो भी ए और करंट की दिशा में जा रहे आई आर, और क्या हो गया भी ऐसे समझो, कुछ एनर्जी लेके चले यहां से, रास्ते में रेजिस्टेंस मिल गया, बल्ब जल रहा, पंखा चल रहा, टीवी चल रहा था, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल आईआर हो गया, तो लेके चले भी ये कंज्यूम हो गया, जो बचा उसको क्या किया, बी पर लौटा दिया। तो यहां मेरा कहना है, आपका निगेटिव हुआ, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या होगा, आईआर, यही तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, लेट इट बी भी, V इक्वल टू क्या हो गया आई आर। आइए अब आपको कुछ यहां से ध्यान लगा के आपको आना है, A से चल के A पर पहुंचना है, A ही आपका लूप है, तो आप क्या कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज टेकन टू बी नेगेटिव माइनस आई वन आर वन, ए से सी तक पहुंच गया बी होते हुए,
माइनस आई वन आर वन। अब इधर से आ रहे हो, इधर से आओगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा करंट है इन दिस सिचुएशन या इन दिस केस द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज टेकन टू बी पॉजिटिव दैट इज प्लस आई टू आर टू। बट दिस क्लोज लूप या सिंस दिस क्लोज लूप डजंट हैव एनी सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट इज एनी सोर्सेस ऑफ ईएमएफ सो दिस इज इक्वल टू जीरो सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। आप देखो ध्यान से आई वन आर वन इज नथिंग बट व्हाट आप पहले से जानते हो, पहले से जानते हो क्या पहले से जानते हो कि क्या जानते हो भाई ये दोनों पैरेलल में है, R1 R2 पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है, आपका प्रूफ हो गया ही ना दिस इज नथिंग बट व्हाट। अगर यही क्या है इनके इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो V इक्वल टू क्या होगा I1 R1 और V इक्वल टू क्या होगा I2 R2। आपने देख लिया। अब एक चीज और क्या करें, हम दूसरा लूप लेते हैं, इसमें दूसरा लूप लेते हैं और फिर यहां पर एक एजुम्पशंस जोड़ देते हैं। एक एजुम्पशंस है इफ वी मूव इन द डिरेक्शन ऑफ या इन फेवर ऑफ बैटरी इन इन द फेवर ऑफ बैटरी सेल बैटरी देन ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड अगेंस्ट इट इट इज टेकन टू बी निगेटिव। आओ अब हम लूप बदलते हैं, लूप बदलते हैं हम लोग, अप्लाई लूप रूल इन ए क्लोज लूप ए बी सी ई ए ए बी सी ई ए। चलो आओ देखो हम लोग क्या करते हैं भाई, याद देख ए से चल के सी तक जाते हैं भाई, अभी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल क्या हो गया नेगेटिव। अब सेल के देखिए तो इधर से हम आ रहे हैं तो सेल के फेवर में, सेल किधर करंट भेज रहा है इधर ही क्यों आ रहे हैं, इस केस में ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा नहीं सेल का ये में नेट ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो यानी E इक्वल टू आई वन आर वन। क्यों? क्योंकि इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल लॉस नहीं है, तो जो भी क्या है ये दे रहा है टर्मिनल वोल्टेज E किसके बराबर है भाई, इसके भी बराबर, इसके बराबर, क्योंकि ये सभी बैटरी के क्या है पैरेलल है, तो इस केस में E बराबर इतना हो गया। फिर लगा सकते हो अप्लाई लूप रूल इन ए क्लोज लूप ए डी
सीई ए, ए डी सी ई ए, ए से चल के ए तक, और इधर से ई भी वही, इसमें भी वही है, माइनस आई टू आर टू प्लस ई इक्वल टू जीरो। और लिख सकते हो ई बराबर क्या होगा, आई टू, तो सिंपल है। अब इसका एप्लीकेशन आते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन ऑफ क्या है, किरचॉफ सेकेंड लॉ। इसका एप्लीकेशन है वीकेस्ट ऑन ब्रिज पहला, और दूसरा है टू फाइंड इक्विवेलेंट सेल व्हेन टू डिफरेंट सेल्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। यानी दो डिफरेंट सेल को पैरेलल में कंबाइंड करेंगे, उनका इक्विवेलेंट सेल क्या हो, उसके लिए ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकालना, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। तो पहले हम लोग देखेंगे, पहला सबसे महत्वपूर्ण है, पांच नंबर क्वेश्चन आता है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? हाँ, थोड़ा सा इसका क्या करें, पहले हम लोग लिख देते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्या है सेकेंड, तब उसमें आते हैं एप्लीकेशन। तो पहले हम लोग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मजबूती मिल सकती है इसमें। कह रहा है सर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग लूप रूल। पहला महत्वपूर्ण बात क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Energy. It is based on the law of conservation of energy. अब दूसरा तो वही लिखा है वहां पर आपका, if we move in the direction of current, then ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज टेकन टू बी निगेटिव एंड अगेंस्ट इट एंड against it it is taken to be negative, no, taken to be positive or if we move in favor of battery cell, EMF is taken to be, EMF of the cell is taken to be positive. And against it it is
taken to be negative. It is taken to be negative. अब आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक प्रकार का डिवाइस है सर. इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर या रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हुज रेजिस्टेंस इज अननोन. दैट इज इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर. अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध जो है अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर निकाला जाता है. वी कैन फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक, तो ये इसका डेफिनेशन क्या है सर? कह रहा है सर इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज used to measure unknown resistance of a wire. Which is used to measure unknown resistance of a wire. Which is used to measure. It is an electrical device which is used to measure unknown resistance of a wire. किसी वायर का रेजिस्टेंस अननोन है उसको निकालो. अब इसका थोड़ा सर्किट डायग्राम देखिए. सर्किट डायग्राम देखिए इसमें. यहां पी क्यू आर एस रेजिस्टेंस है इस सेगमेंट का. इसका रेजिस्टेंस पी है, इसका रेजिस्टेंस क्यू है, इसका रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू एस है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पी. ठीक, ये गैल्वेनोमीटर. इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है? किरचॉफ सेकंड लॉ की इतना यूजफुल क्यों हुआ भाई? अगर कहेगा कि इस पार्ट से क्या करंट जा रहा है उसको बताइए. अभी बहुत सारा ब्रांच है इसमें, यहां से चल रहा करंट बहुत जगह बट रहा. अब इसके बीच का करंट निकालने के लिए
इन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ का एप्लीकेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जहां ओम्स लॉ का एप्लीकेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वहां सिंपल वे में किरचॉफ्स लॉ काम कर देता है, अप्लाई हो जाता है, इसलिए यूजफुल है ये। आइए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा चीज क्या है इसमें कि जैसे आप यहां से करंट डाला, करंट क्या हुआ सर बटा, आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हम दिखा दें आपको, यहां से आई करंट आया यहां पर बटा आई टू हो गया, इधर से कितना गया आई जी गैल्वेनोमीटर से, इधर से आई वन आ रहा था, इधर से आई जी निकल गया, जंक्शन रूल लगा दीजिए आई वन माइनस आई जी इधर आ गया, आई वन माइनस आई जी इधर आ गया। अब इधर से देखिए ध्यान से, इधर से आई जी आ रहा, इधर से आई टू आ रहा, आई टू प्लस आई जी, और फिर इधर से क्या होगा आई निकल गया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आई वन प्लस आई टू, आई आई स्प्लिट हुआ था दो भाग में आई वन आई टू में, और पुनः क्या किया वापस आया आई वन प्लस आई टू, दैट इज आई के टर्म में फिर सेल को वापस चला गया। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं सर, इसमें बहुत सारे अननोन हो गए, आई वन हो गए, आई टू हो गए, आई जी हो गए, तो अब अलजेब्रा क्या कहता है कि जितना अननोन है उतना इक्वेशन चाहिए। अभी आप थोड़ा देर पहले क्या देखे, जितना लूप लेंगे हर लूप के लिए एक इक्वेशन होगा, जितना लूप लेंगे हर लूप के लिए एक इक्वेशन होगा। तो सबसे बड़ा चीज क्या आपको है यह पहचानना इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप कितना बनेगा, आप बताएं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप कितना है, सोचिए थोड़ा सा इसमें कितने नंबर ऑफ लूप है, इसको देखिए ये कितना नंबर ऑफ लूप इसमें है, बोलिए आपको क्या दिख रहा है, एक दो एक तीन दिख रहा है क्या, चार दिख रहा है, नहीं नहीं पांच दिख रहा है सर, नहीं नहीं छह, अरे कितना दिख रहा है बोलिए आप बताएं, वीडियो रोक करके सोचे नंबर ऑफ लूप कितना है इसमें, जोर क्यों दे रहा हूं मैं, जितना नंबर ऑफ लूप होगा उतने नंबर ऑफ इक्वेशन, बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी सेगमेंट के थ्रू करंट क्या है, किसी भी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यह निकालने में आपको आसानी है। तो आप देखें ध्यान से इसमें सात लूप हैं, सात लूप हैं, ध्यान दीजिए नजर दौड़ाइए कुछ आया, आइए मेरे साथ चलिए, एक लूप देखिए आप तो देख रहे हो भाई ए बी सी डी ए बड़ा हुआ, दूसरा देखिए ए बी डी ए, तीसरा देखिए बी सी डी बी, तीन देखिए, अब देखिए ए बी सी ई ए, चार देखिए ए डी सी ई ए, पांच देखिए, अब देखिए ए बी डी सी ए, 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 देख लिया, अब देखिए ध्यान से ए डी बी, अब देखिए ध्यान से इस प्रकार से ये कहां हुआ है, ये आपका हुआ है, ये कहां हुआ है, ये देखिए ध्यान से, यहां से दो रास्ते हैं, एक ऐसे रास्ते ले आए एक ऐसे रास्ते लेकर आए, सात लोग। अब हमें क्या करना है कि कंडीशन प्राप्त करना है बैलेंस ब्रिज का। एक्चुअली होता क्या है कि कोई इसमें आप हम एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हैं इसको, आप भी आपको भी करना है एविजस्टन ब्रिज का, इसमें क्या है चारों में से कोई एक क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस, पोस्ट ऑफिस बॉक्स दिया जाए, पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या है सर एक क्यूबिकल बॉक्स है, वो रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसमें नॉब लगा रहता है पेग खुट्टी, सभी नॉब के पास लिखा रहता है
दो 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 25 ओम, ऐसे करके। तो जो नॉब निकालिएगा उतना रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा। लगा दीजिएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं, नॉब लगाए निकाल दीजिए उतना रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर हम लोग समय क्या था, हेडफोन था, माइक्रोफोन था, एक तार यहां से एक तार यहां से, और कान में आता था। हम लोगों को क्या करना था, इस रेजिस्टेंस को चेंज करना था, खर 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 आवाज आता था, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को घटाते बढ़ाते एक ऐसा पॉइंट आता था, एक ऐसा पॉइंट आता था, जो बीट है वो गायब हो गया, जो साउंड है वो गायब हो गया। उस समय कहा जाता था कि बैलेंस ब्रिज कंडीशन, यानी इधर से करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब वो जमाना चल गया सर, वो पुराना जमाना। अब आगे गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करने वाला डिवाइस। तो गैल्वेनोमीटर लगाया तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस हम बदलेंगे, कोई एक वेरिएबल आपका है, मान लेते हैं कि एस वेरिएबल है, रेजिस्टेंस हम बदल रहे हैं इसका, बदलते बदलते एक पॉइंट ऐसा आएगा इसके एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो हो गया। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो होने का मतलब इस बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी इधर से कोई करंट नहीं, ये सेगमेंट का कोई काम नहीं, उसको तोड़ करके फेंक देंगे। यहाँ जी क्या है बाबू का, यहाँ जी क्या है, गैल्वेनोमीटर है, करंट डिटेक्टर, हम पढ़ाएंगे गैल्वेनोमीटर ये पढ़ना हम। और यहां संकेत के रूप में, सिंबल के रूप में लिए हुए हैं गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को भी हम लोग क्या लिए हैं, जी लिए। आइए अब हमें क्या करना है, सिखाना है बाबू, मैं बताया था ये सबको सीखना है। हम अलग अलग लूप ले रहे हैं, अलग अलग लूप ले रहे हैं, और उसमें आपको चलना है, बस दिमाग में एजम्पशंस ले लेना कि व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज टेकन टू बी नेगेटिव, इफ यू मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज टेकन टू बी पॉजिटिव, एंड व्हेन वी मूव इन फेवर ऑफ बैटरी देन ई एम एफ ऑफ द सेल इज टेकन टू बी पॉजिटिव, एंड व्हेन वी मूव अगेंस्ट द सेल और बैटरी देन ई एम एफ ऑफ द सेल इज टेकन टू बी निगेटिव। यही चीज दिमाग में रखना। आइए लगाते हैं सर, अप्लाई लूप रूल। इन्हें क्लोज लूप ए बी सी डी ए बी सी डी ए से चलकर कहां पहुंचना है, ए पर पहुंचना है। बोलिए क्या लिखें, ए से बी तक पहुंचाइए हमको, क्या लिखें। यहां पर हम क्या लिखे, पी रेजिस्टेंस का सुपर सिंबल, क्यों, इसलिए कि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। माइनस, ये सब ध्यान रखिए कि प्लस होगा, हाँ ध्यान रखिए, माइनस आई वन पी कहां तक चले आए, बी तक, बी से सी जाइए, क्या लिखेंगे, प्लस की माइनस, गलत बात, माइनस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आई जी क्यू, फिर कहां से आपको जाना है, सी से डी आना है, तो करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं कि फेवर में जा रहे हैं, तो अगेंस्ट जा रहे हैं, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो आई टू प्लस आई जी इंटू एस। अब फिर यहां से देखिए डी से ए जाइए, प्लस आई टू आर इक्वल टू क्या होगा, क्यों, क्योंकि इस लूप में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, यानी सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी ईएमएफ का सम क्या है, जीरो। एक इक्वेशन आपके लिए बना लिया गया। अब आइए तो कह रहा सर अप्लाई लूप रूल
इन ए क्लोज लूप। अब देखिए ए बी डी ए, ए बी डी ए, ए से ए तक आइए, ए से बी तक क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, क्यों करंट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो माइनस आई वन पी, इधर आई इधर बी से डी में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ग्रेविमेट्रिक रेजिस्टेंस के लिए सिंबल कह रहे हैं जी, तो माइनस आई जी जी, फिर डी से क्या जाइएगा प्लस के माइनस, प्लस आई टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बिकॉज दिस सेगमेंट दिस लूप डजेंट हैव एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो इस केस में क्या होगा जीरो। फिर आप अप्लाई कीजिए, आप अप्लाई लूप रूल इन ए क्लोज लूप, लेट इट बी क्वेश्चन टू, यहां पर बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी से बी तक, आइए देखिए ध्यान से, बी सी डी बी में माइनस करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई वन माइनस इंटू क्यू, फिर देखिए यहां पर प्लस आई टू प्लस आई जी इंटू एस, प्लस प्लस क्या होगा आई जी, आई जी इंटू आई जी इंटू इक्वल टू जीरो, लेट इट बी इक्वेशन थ्री। आप देखो तो ध्यान से, यहां क्या देखा आपने, इक्वेशन थ्री जो आपका आया तो तीसरा लूप से आ गया। अब हम लोग आते हैं कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज निकालना। मैंने क्या बोला, वैल्यू एडजस्ट करना है इसका ताकि ग्रेविमीटर का रीडिंग जीरो, आई जी इक्वल टू जीरो, उसके लिए कंडीशन निकालने जा रहे हैं। तो कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज, बहुत सारा लूप ले, जिसको जितना मन उतना ले, हमारा काम इतना ही का है, इसलिए कि जितना अननोन हमारे लिए है, अभी कंडीशन हमें निकालना है बैलेंस ब्रिज का। ये तीन इक्वेशन हमारे लिए काफी है, इसमें दो ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, एक इक्वेशन मेरे लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब आते हैं सर, आपके पास इक्वेशन होगा, अब कह रहा सर कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज, या कंडीशन अभी मत, फॉर बैलेंस ब्रिज कंडीशन तो आप निकालेंगे, फॉर बैलेंस ब्रिज आई जी इक्वल टू क्या होगा जी। अब इक्वेशन वन देखिए आप अपने पास होगा, फ्रॉम इक्वेशन वन आई जी जीरो रख करके देखिए तो क्या होगा, माइनस आई वन पी प्लस आई टू आर इक्वल टू जीरो आ रहा है, देख लीजिए आई जी जीरो कर दीजिएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो आप क्या देख रहे हो भाई, आई वन पी इक्वल टू आई टू आर आ गया, आई जी जीरो रखो ना भाई। अच्छा ना ना, ना एक मिनट, वो इक्वेशन बड़ा वाला था ना, एक मिनट, हम छोटा वाला लूप ले लिए। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा आपका, हम लोग नहीं फ्रॉम इक्वेशन टू आते हैं, क्योंकि सिंपल सा इक्वेशन लेंगे ना, काहे लंबा लेंगे, इक्वेशन टू में आइए, यहां पर देखिए आई जी इक्वल टू जीरो रखिए। अब आइए देखिए कितना आसान है, काहे लंबा इक्वेशन लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन टू माइनस आई वन पी प्लस आई टू आर इक्वल टू जीरो। अब आइए देखिए तो आई वन पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, आई टू आर लिख सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आई वन बाई आई टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर बाई पी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन ये बना दीजिए,
ठीक। अब आइए दूसरा चीज देखते हैं क्या है। फ्रॉम इक्वेशन थ्री से, ये इक्वेशन आपका थ्री है, तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री इसमें क्या डालना है, आई जी इक्वल टू जीरो, ईवी जीरो, ईवी जीरो, तो माइनस आई वन क्यू प्लस आई टू एस इक्वल टू जीरो, यानी बाबू का फिर यहां पर क्या होगा, आई वन बाई आई टू एस बाई क्या हो जाएगा, लेट इट बी इक्वेशन। अब एल एच एस इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का एल एच एस सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी से आपको क्या मिला, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें वो लिख चुके हैं ना आप, देखो ध्यान से, तो क्या हो गया, आर बाई पी इक्वल टू क्या है सर, एस बाई क्यू, थोड़ा सेट करो इसको बढ़िया से, तो पी बाई आर इक्वल टू, और यहां पर साइनिंग वाला पोर्शन, तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई, ये पॉपुलर फॉर्म है इसका, कि पी बाई क्यू यानी पी क्यू आर एस, पी बाई क्यू आर बाई एस, यानी इन दोनों आर्म के रेजिस्टेंस का रेशियो, इन दोनों आर्म के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाए, इस फिफ्थ एलिमेंट का कोई महत्व है, उसको तोड़ के फेंक देंगे, और जब तोड़ के फेंक देंगे तो जो इफेक्टिव सर्किट आता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सिंपल है, ये कंडीशन दिमाग में याद रखना है, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, और क्वेश्चन बनाते समय इसको ध्यान में रखना है। आइए ध्यान दीजिए, अब उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा भाई, बीच वाला सेगमेंट इनइफेक्टिव हो गया, बीच वाला सेगमेंट जब इनइफेक्टिव हो गया तो सर्किट का कंसेप्ट, सर्किट का स्वरूप इस रूप में आ गया, पी क्यू आर एस, ये दोनों आपस में क्या हो गया, सीरीज में, ये दोनों आपस में क्या हो गया, सीरीज में। अब देखिए कितना सिंपल सर्किट हो गया, अब यही चीज हो गया, और ये हो गया पी प्लस क्यू, और ये हो गया R प्लस ए, अब फिर ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 याद है ना, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, तो P प्लस क्यू और R प्लस एस डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 बटा P प्लस क्यू प्लस R प्लस एस, यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, जैसे पीछे एलिमेंट तोड़ देते हैं बहुत सिंपल सर्किट हो जाता है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर इनका सम, फिर इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाता है, तो पैरेलल में क्या होता है, आर वन इंटू आर टू बटा आर वन, आर वन की जगह पर इतना आपने देख लिया। अब एक छोटा सा सर्किट हम लोग लेते हैं एक न्यूमेरिकल के लिए, और देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं, कितना आसानी से इसको बना सकते हैं, आइए सेट कर देते हैं हम लोग इसी पर।
अब कोई कहे आपसे छ, 12, 18, 36, ये सब ओम है और इसमें 50 ओम है। अब पूछेगा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड, आप कैसे निकालोगे? अब देखो फिर चेक करोगे, ये P के बदले आपका 6, Q के बदले 12, R के बदले 18 और S के बदले 36 है। तो P बाई Q कितना हो गया 1/2, R बाई S कितना हो गया 1/2। इसका मतलब ये कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक। अब इसलिए इसको हम लोग 50 ओम 1,00,000 ओम रखें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, करंट इधर से 0, ये सर्किट का पार्ट है। 12 6 कितना आ जाएगा इसका, अब इन दोनों का सम देखिए 18 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा दोनों का सीरीज में। इसको हटा दीजिए 18 ओम 12 6 54। अब आर इक्विवेलेंट कितना होगा बाबू का, 18 इंटू बटा 18 प्लस, अब देखे तो आर इक्विवेलेंट 18 इंटू 54 ये 72 होना चाहिए हमारे हिसाब से, 18 चूक और क्या है सर, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ कटेगा। अब देखते हैं, 2 से तो कटेगा ना, ये कितना आ जाएगा 26 कटे तिरछो को बाम कट ही रहा है तो नहीं, कैसे कटेगा आपको जानकारी नहीं है। आप देखो ध्यान से 13 हो गए, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया 13 ओम, तिरछो को बाम। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा चीज इसमें एप्लीकेशन इसका जो है, आप व्हीटस्टन ब्रिज का देखें, और इसमें बहुत सारा सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस निकालना है, उसको हम लोग क्या करेंगे सर नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम पर, कि सेकेंड लॉ पर प्रॉब्लम कि नहीं क्या 54 है। देखो भाई ध्यान से एक मिनट, देखो ध्यान से, हाँ नहीं कटेगा नहीं कटेगा, आप ध्यान दो थोड़ा सा इस पर, यहाँ देखो 4 और यहाँ क्या होगा 57 54 था ना, काट दो 27 तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉरी भाई, आर इक्विवेलेंट क्या हो गया 27, 27 2 54 होता है, अब सबसे 53 52 होता है आपका, देख लिया। अब यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लॉ पर हम लोग बैलेंस ब्रिज कंडीशन पर भी देखेंगे क्वेश्चन, और क्या होगा जब ब्रिज बैलेंस नहीं हो उस केस में हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, और एक टेक्निक बताएंगे आपको अनबैलेंस ब्रिज के लिए, देखिएगा सोल्यूशन निकाल दीजिए, सोल्यूशन बहुत बड़ा है उसका, ऑब्जेक्टिवली कर दीजिए। इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन है इस पर डिस्कस करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग यहां देखेंगे आपका दूसरा एप्लीकेशन इसका, दो सेल्स जिसका ईएमएफ E1 E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, जब उसको कंबाइन किया जाता है पैरेलल में तो उसके इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए क्या होगा सर एक्सप्रेशन, ये निकालो, ठीक है, थैंक यू।